जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं सौरभ और आप देख रहे हैं सोरिक मोटो वर्ल्ड। और गाइज मेरे पीछे आज खड़ा है द ब्रांड न्यू 2022 TVS Ntorq 125 XT वेरिएंट। और आज बेसिकली मैं इसका एक डिटेल रिव्यू बनाने वाला हूँ। क्या है स्कूटर का स्पेसिफिकेशन, क्या है इसका ऑन रोड प्राइस, क्या नया फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है, कितना कलर वेरिएंट के साथ आ रहा है, कितना माइलेज इस स्कूटर से आपको मिल सकता है, सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और गाइस बस 2 मिनट लूंगा आपको कुछ ऑफिशियल एक्सेसरीज दिखाने के लिए जो मेरे पीछे है। ये आपको सब एक्सेसरीज जो यूनिवर्सल TVS में ही मिल जाएगा। तो क्या क्या एक्सेसरीज है और क्या क्या राइडिंग गियर है वो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको हेलमेट मिल जाएगा, बहुत तरफ का यहाँ पे हेलमेट है, जो परफॉर्मेंस हेलमेट भी है। लगभग परफॉर्मेंस हेलमेट जो है 2000 से प्राइस स्टार्ट हो रहा है। ये हेलमेट वगैरह जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसका प्राइस वगैरह अगर आपको जानना है, आप अगर वेस्ट बंगाल से हो तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सल TVS कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी आते हैं ये राइडिंग गियर की तरफ। तो TVS रेसिंग का ऑफिशियल राइडिंग गियर है, राइडिंग पैंट्स है, राइडिंग जैकेट है एंड टी शर्ट वगैरह जो है लगभग 999 से स्टार्ट हो रहा है। इसके ऊपर भी डिस्काउंट है, डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और भी आपको राइडिंग गियर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको हेलमेट है, ये जो है उतना ज़्यादा प्राइस नहीं है ये सब हेलमेट का। और इधर राइडिंग बूट वगैरह है, आप जब रेसिंग वगैरह कर सकते हो ये बूट पहन के। और यहाँ पे जो है आर्म स्लिप, ये सब एक्सेसरीज भी मिल जाएगा। बाकी चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं स्कूटर का की से। तो की यहाँ पे आपको नॉर्मल की मिलता है TVS का ब्रांडिंग के साथ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो की को एक बार लगा देते हैं। ओके, तो इग्निशन स्टार्ट करने से फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो LED DRL है ये ऑन हो जाता है। ये तो सब पुराना है, ये पहले वेरियंट पर भी मिलता था, लेकिन फर्स्ट मैं बता देता हूँ क्या क्या नया फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट चेंज की अगर बात करें तो ये जो व्हील देख पा रहे हो ये एकदम ब्रांड न्यू व्हील है और बहुत ही खूबसूरत देख रहा है ये व्हील। नया स्टिकरिंग आपको देखने को मिल रहा है साइड पे, नया कलर स्कीम आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो कलर स्कीम है दिस इज़ नियॉन कलर, एक ही कलर वेरिएंट के साथ आता है। दिस इज़ 125 XT वेरिएंट, तो ये एक ही कलर स्कीम के साथ आता है। इसका ऑन रोड प्राइस मैं कुछ देर बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। Ntorq का यहाँ पे आपको नया स्टिकरिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा। एक वॉकअराउंड डिटेल वॉकअराउंड करूँगा, लेकिन पहले मैं चेंजेस की बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे एकदम ब्रांड न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो एकदम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो क्या क्या मिल जाता है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका स्पीड वगैरह देखने को मिलता है, लैप टाइमिंग, फ्यूल गेज शो कर रहा है, टाइमर शो कर रहा है। और यहाँ पे ना आप कितना थ्रॉटल दे रहे हो, आपका लो फ्यूल लेवल, उसके बाद क्रिकेट अलर्ट, मैसेज अलर्ट, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, तो सब कुछ ये पोर्शन में आपको शो करेगा। आपका जब बर्थडे होगा तब यहाँ पे दिखाएगा। आपका बाइक का जब बर्थडे होगा, मतलब आप जिस दिन बाइक ले रहे हो एक साल के बाद यहाँ पे बाइक का जब बर्थडे होगा वो यहाँ पे शो करेगा, मतलब स्कूटर का बेसिकली जब होगा। फेस्टिवल सीजन वाइज यहाँ पे अलग अलग सा आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा, टेक्सचर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका फूड डिलीवरी नोटिफिकेशन एंड आपका ई कॉमर्स नोटिफिकेशन, बहुत कुछ फीचर्स के साथ यहाँ पे कंपनी ने दिया है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और यहाँ पे एक मोड बटन दी गई है, मोड बटन को अगर मैं दबाऊंगा, अभी जो जैसा ये पहले था स्पोर्ट मोड में, ठीक है। यहाँ पे आपका मोड बटन दबाने से बैटरी वोल्टेज, यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, आपका डेट शो कर रहा है, टॉप स्पीड कितना उठा है एक स्कूटर में तो ये शो कर रहा है, लैप 0 to 60 कितना सेकंड पे गया है वो यहाँ पे शो कर रहा है, फ्यूल गेज शो कर रहा है, राइड स्टैट्स, लास्ट लैप, लो फ्यूल, उसके बाद राइड स्टैट्स, बेस्ट लैप, न्यू रिकॉर्ड, मतलब कितना टॉप स्पीड किया है वो भी शो कर रहा है, बेस्ट लैप टाइमिंग कितना पे टॉप स्पीड अचीव की है वो भी शो कर रहा है यहाँ पे, एंड प्रेस सेट टू शेयर, मतलब बहुत कुछ फीचर्स इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में अभी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब दे दिया है कंपनी ने। और आपका इंस्टाग्राम अलर्ट, उसके बाद फेसबुक अलर्ट, व्हाट्सएप अलर्ट, सब कुछ ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल में दिखाएगा। एंड मोड को अगर मैं दोबारा दबाऊंगा, ये जो है स्ट्रीट मोड पे आ चुका है और स्ट्रीट मोड पे आपका स्कूटर कितना पावर जनरेट कर रहा है वो भी शो करेगा, जैसे यहाँ पे कितना पावर यूज़ हो रहा है वो शो करेगा। इको मोड पे आप कितना चला रहे हो वो यहाँ पे शो करेगा। कैमरा जो है बार बार फोकस आउट हो रहा है, यहाँ पे कितना आवर कितना मिनट से आप इकोनॉमिकली आप चला रहे हो वो भी यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद दोबारा अगर दबाऊंगा तो ये जो है स्पोर्ट मोड पे, और ये जो है कंसोल ये पूरा स्पोर्ट मोड का कंसोल है। राइडिंग सीन्स, आप कितना आवर से राइड कर रहे हो, तो बहुत कुछ लोडेड फीचर्स है। Ntorq का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। और वेदर भाई यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम क्लाउडी वेदर है। और यहाँ पे टेल लाइट्स की अगर बात करें तो इसको भी एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखा देते हैं।
सो हैजार्ड का यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाता है। कोई भी एरर आएगा तो शो करेगा, साइज 10 का गिरा रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं साइज 10 गिरा देता हूँ तो यहाँ पे साइज 10 शो करता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इको एंड पावर मोड, आप जैसे थ्रॉटल दोगे उस हिसाब से यहाँ पे जो है एक लाइट है, और ये जब ऑन होता है ना एक बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन देके स्टार्ट हो रहा है। एंटॉर्क का पूरा एंटॉर्क 125 हाई ऑन नो किचू बोल के कुछ है, ये लगता है किचू के नाम से रजिस्टर्ड है अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे आपका रिजर्व लाइट शो कर रहा है, उसके बाद इंजन माल फंक्शन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का इंडिकेशन मिलता है, हाई बीम, और यहाँ पे पहले आपको इंजन किल स्विच मिलता था, अभी जो है इसमें TVS इंटेलिगो दे दिए है कंपनी ने। और यहाँ पे आपको हैजार्ड का स्विच मिल जाता है, वॉइस कमांड भी इसमें आपको मिलता है। रेस XP एडिशन में जो वॉइस कमांड मिलता है इसमें आपको वॉइस कमांड भी मिलता है। कार्बन फाइबर टेक्सचर यहाँ पे दी गई है, हाई बीम लो बीम पास बटन इंडिकेटर का स्विच, बीच में जो है कैंसिल बटन ऑन यहाँ पे आप सुन सकते हो। नेक्स्ट चेंज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एंटॉर्क 125 XC का नया आपको स्टिकरिंग ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, साइड में जो है आपको नया स्टिकरिंग वर्क देखने को मिल जाएगा। और एज सच कोई भी चेंजेस तो मेरे को दिखा नहीं, बाकी इसका एक फुल वॉक अराउंड एक बार मैं बता देता हूँ फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बल्ब इंडिकेटर दी गई है, ओके। और ये जो कलर स्कीम देख पा रहे हो ना, दिस इज़ द मैट मेटालिक नेवी ब्लू काइंड ऑफ कलर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कलर है टोटली आपको वो फ्लूरोसेंट या फिर नियॉन कलर जो होता है ना वैसा कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंटॉर्क का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, एंटॉर्क का नया स्टिकरिंग तो मैं आपको पहले ही दिखा दिया, TVS का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। ये पैनल जो है आपको फाइबर का मिलता है, TVS इंटेलिगो अभी इसमें मिल रहा है, तो यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, नया स्टिकरिंग वर्क देखने को मिल रहा है। फ्रंट में आपको ऑल LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिल रहा है, हाई बीम लो बीम ऑल आर यहाँ पे आपको LED मिलता है। RT FI रेस ट्यून FI चिप लगाया गया है इसके अंदर, कार्बन फाइबर टेक्सचर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, 125 का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। मडगार्ड जो है डुअल टोन कलर में मिलता है, सो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्लूरोसेंट या फिर नियॉन कलर विथ ब्लैक के साथ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। 220 mm एक बार डिस्क मिलेगा, फ्रंट में आपको पेटल डिस्क मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दी गई, एंटॉर्क का नया आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। इसमें TVS टायर दी गई है, 100x80 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, 12 इंचेस का अलॉय व्हील के साथ, ओके। सो ये जो है 12 इंचेस का अलॉय व्हील TVS रेसिंग का, इस साइड पे आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला पैनल दी गई है, लेकिन ये जो है फाइबर है। फुट फ्लोर की अगर बात करें तो अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है, की का जो स्पेस है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और एक हुक मिलता है इधर, इधर भी एक हुक मिलता है, बाकी कोई भी ऐसा यहाँ पे सामने में कोई भी स्पेस नहीं मिलता है। सीट कंफर्ट की अगर बात करें तो इंटॉक में जो सीट मिलता था वही सीट यहाँ पे दी गई है, अच्छा खासा कंफर्टेबल सीट है, कार्बन फाइबर टेक्सचर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो रेड स्टिचिंग के साथ। और फ्यूल लेट जो है बाहर की तरफ है, तो आपको फ्यूल भरने के लिए सीट ओपन करना नहीं पड़ेगा। 5.8 liter का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। इसका माइलेज की बात करें तो आराम से आपको 40-45 kmpl का माइलेज मिल जाएगा, आपको इको मोड में मिलेगा। इसमें दो मोड दी गई है, इको एंड स्पोर्ट मोड, तो इको मोड में जो है आपको 40 का एवरेज मिल जाएगा। एंटॉर्क का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। एक बार सीट को ओपन करते हैं, तो सीट को ओपन करने के लिए आपको चाबी जो है इस साइड लगाना पड़ेगा, राइट साइड जो है सीट ओपन होता है। तो अंडर बूट स्पेस जो है अप्रॉक्स आपको 22 liter का बूट स्पेस मिल जाता है, तो एक फुल साइज हेलमेट आई गेस यहाँ पे आ जाना चाहिए। और USB चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप फ़ोन वगैरह जो रखे यहाँ पे आराम से चार्ज कर सकते हो, कोई भी बूट लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है। OBD पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और बाकी सीट को एक बार बंद करते हैं। स्प्लिट ग्रैब ग्रिल दी गई है। अभी आते हैं इंजन की तरफ, तो इसमें आपको 124.8 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड 3-valve टेक्नोलॉजी का इंजन दी गई है। और इसका का पावर फिगर की बात करें तो रेस एडिशन में जो पावर मिलता है, रेस XP नहीं, रेस एडिशन में जो पावर मिलता है उतना पावर ये प्रोड्यूस करता है। 9.3 PS का मैक्स पावर मिलता है, 10.5 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है इस इंजन से। किक स्टार्ट अभी इस वेरिएंट में नहीं मिल रहा है, हो सकता है फ्यूचर अपडेट में इसमें आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाएगा। 3-valve टेक्नोलॉजी एंड लेडीज फुटरेस्ट जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, रिफ्लेक्टर दोनों साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। रियर में जो है आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और दिस इज द हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। सो आई गेस आप लोग देख पा रहे हो, टायर हगर भी दी गई है। रियर टायर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको TVS टायर दी गई है, और इसका सेक्शन जो है 110x80-12 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। और रिम का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, काइंड ऑफ आपको कास्ट एल्यूमिनियम फुटपेक मिलेगा रियर में। और ये जो पैनल है ना ऑल आर यहाँ पे आपको फाइबर का पैनल मिलता है। और इसका का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 155 mm स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। वेट की बात करें तो 110 kg स्कूटर का वेट है। और हाइट जो है आपका, हाइट अगर 5'5" भी है तब भी स्कूटर को आप डेफिनेटली चला पाएंगे। साइज 10 मिलता है, साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर भी दी गई है, और मिडिल स्टैंड भी इसमें आपको मिल जाता है, तो ज़्यादा भारी नहीं है,
तो आराम से आप मिडिल स्टैंड वगैरह जो है कर सकते हो। एक बार रियर टेल लाइट वगैरह भी एक बार आपको दिखा देते, तो इग्निशन ऑन करने से ये जो रियर टेल लाइट है ये ऑन हो जाता है। टी शेप काइंड ऑफ आपको रियर में LED टेल लाइट मिलता है। बाकी इंडिकेटर जो है बल्ब इंडिकेटर दी गई है, नंबर प्लेट लगाने का जो जगह है यहाँ पे नंबर प्लेट लगा है, रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट का जो लाइट है ऊपर में मिलता है, TVS का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। और बाकी जो टेक्सचर वगैरह है कार्बन फाइबर टेक्सचर वो तो आपको पहले से ही मिलता था, रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड पे मिल जाता है। एग्जॉस्ट नोट मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, इसका एग्जॉस्ट में कोई भी बदलाव नहीं है। CVTi RE का यहाँ पे आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा और इसका एग्जॉस्ट नोट तो बहुत ही छोटी है, बहुत ही बेसी है। और ये क्लस्टर आपको कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताना। इसको एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं ये क्लस्टर कैसे काम करता है, उसके पहले एग्जॉस्ट नोट सुन लो। सो आई गेस आप लोग एग्जॉस्ट नोट सुन लिए हो। तो अभी ये जो है अभी स्पोर्ट मोड में है, तो स्पोर्ट मोड में आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसका जो टैकोमीटर है आप कितना थ्रॉटल यूज कर रहे हो। तो जैसे बाइक में जो RPM होता है ना वो यहाँ पे थ्रॉटल दिखा रहा है कितना RPM पे है, स्पीड शो कर रहा है। और स्टार्ट करने के बाद ही यहाँ पे जो है टाइमर जो है ऑन हो जा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लो फ्यूल तो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे TVS इंटेलिगो ऑन है, तो जैसे मैं रेप छोड़ दे रहा हूँ तो कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पे एक टाइम काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ये देखिए फ्यूल सेवर मोड 3-5 सेकंड से काउंटडाउन स्टार्ट होता है और ये जो है ऑटोमेटिक बंद हो गया। ये जो है TVS इंटेलिगो ऑन है इसलिए ये जो है ऑटोमेटिक बंद हो गया। अप्लाई ब्रेक एंड थ्रॉटल, जैसे अप्लाई ब्रेक एंड थ्रॉटल मैं दिया और आई गेस ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। थ्रॉटल ब्लिप, अप्लाई ब्रेक एंड थ्रॉटल ब्लिप, तो मैं तो कर रहा हूँ ब्रेक। हाँ ये स्टार्ट हो गया, देखिए ये स्टार्ट हो गया, आई गेस आप लोग सुन पा रहे हो। और ये देखो ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है। यहाँ पे कुछ लगा है 5% शो कर रहा है, इको में कितना चलाया हूँ वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद टेल लाइट्स तो आपको मैं दिखा दिया, जैसे थ्रॉटल दे रहा हूँ ना उसी हिसाब से यहाँ पे जो है ये पावर एंड इको से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और अभी आते हैं इसका प्राइस के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक शोरूम प्राइस मैं बता दे रहा हूँ 1,01,984 रुपीस अप्रॉक्स कोलकाता एक शोरूम प्राइस। और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो लगभग नियर अबाउट 1,21,000 to 1,22,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है। एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सल TVS कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो। सो दोस्तों अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था और एडिट करते हुए वीडियो के लास्ट में देखा शोरूम पे मैं वीडियो एंड किया ही नहीं, तो अभी वीडियो जो है मैं एंड करता हूँ। तो आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपका सेट में इसका का ऑन रोड प्राइस जानना है तो ज़रूर आप नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस आप लोग सेफ राइड, टाटा गाइस, बाय, जय हिंद।